बताएं सर। यस बिल्कुल अनिल जी, एक नया आईपीओ वाली कंपनी है टार्सन्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड, एक गजब की कंपनी है अगेन। और देखिए इसका जो आईपीओ आया था 635 से 662 की प्राइस रेंज थी, और ये नवंबर में आईपीओ आया था, उसके बाद लिस्टिंग भी बहुत बढ़िया हुई। अब लाजमी है मार्केट्स के करेक्शन के साथ नीचे है, बट फिर भी ये स्टॉक अच्छा खासा अपने आईपीओ के प्राइस के नीचे नहीं जाते हुए ऊपर ही अब ट्रेड कर रहा है, और 710-720 के लेवल्स में भी ट्रेड कर रहा होगा। तो ऐसा लगता है कि ये कंपनी आगे भी बहुत अच्छा करेगी, और सबसे बढ़िया बात है ये जो सेगमेंट है वहां पे एंट्री बैरियर्स बहुत हाई है, और ये सेगमेंट है बेसिकली इनका लैबवेयर का, प्लास्टिक लैबवेयर बनाते हैं लोग, और उसमें अच्छा खासा मार्केट शेयर, मतलब करीब 20% से ज्यादा का मार्केट शेयर ये कंपनी कमांड करती है। और मैंने कुछ चैनल चेक्स भी किए थे जब आईपीओ आया था, तो बहुत ही बढ़िया ब्रांडिंग है, जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जबरदस्त मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने खड़ा किया हुआ है। और मैं इनफैक्ट चैनल पे आपके शो में मैंने मैनेजमेंट को भी सुना, तो उससे भी बहुत बढ़िया एक कॉन्फिडेंस आता है। और सबसे बढ़िया बात है जो ये इंडस्ट्री है इसकी जो कैगर होने वाली है वो बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट ये सेगमेंट में 15-16% के लगभग की कैगर से ग्रो करने की उम्मीद एनालिस्ट लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया आगे भी होने वाला, और अच्छा खासा स्ट्रांग डाइवर्सिफाइड नेटवर्क जैसा मैंने बताया, और 1700+ SKUs, 300+ products, इस तरीके का इनका बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब मैं आता हूँ फाइनेंशियल्स पे, तो गजब के फाइनेंशियल्स अगेन, और कंपनी देखिए एक तो 36 साल पुरानी कंपनी है, तो वैसे भी बहुत क्रेडिबिलिटी बनती है, प्रोमोटर्स बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड है प्रोमोटर्स का भी, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 28% है, और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 19% के लगभग रही है, और प्रॉफिट की कैगर करीब 37-38% के लगभग। एक जीरो डेट कंपनी है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी मैं देख रहा था तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं मार्च क्वार्टर के, और करीब पिछले क्वार्टर में अगर 24 करोड़ का पैट था उसके सामने 29 करोड़ का पैट है, और बहुत हाई ओपीएम्स और एनपीएम्स वाली कंपनी है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत हाई है। और हम जब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो वहां पे भी जिस तरीके से FISDIs का भरोसा है, तो उससे भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है, जब FISDIs करीब 18-19% के लगभग होल्ड करते हैं और प्रोमोटर्स है, और बाकी मुझे लगता है कि इस शेयर को इन लेवल्स पे ले जो कि 930 रुपए का लेवल हाई पे दिखाया हुआ है लिस्टिंग के बाद, और वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, तब 910 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। 910 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है टार्सन्स प्रोडक्ट्स, ये है आपके लिए जैन साहब की तरफ से बेहतरीन जेम्स शेयर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर।